हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू क्लास फिफ्थ यूनिट थ्री चैप्टर नेम माय शैडो फ्रॉम इंग्लिश बुक। सो लेट्स स्टार्ट। माय शैडो, डू यू नो व्हेन एवर देयर इज लाइट समवन फॉलो यू, हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? क्या तुम जानते हो कि जहाँ भी लाइट होती है कुछ आपको फॉलो करता है? Have you ever wondered who it is? क्या आपने कभी सोचा है ये कौन है? I have a little shadow that goes in and out with me. मेरे पास एक छोटी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है. And what can be the use of him is more than I can see. और इसका मेरे लिए क्या use है? इससे ज़्यादा कि बस मैं इसे देख सकता हूँ. He is very very like me from the heels up to the head. यह बहुत ज़्यादा मेरे जैसी ही है, मेरे पैर की एड़ी से सर तक. And I see him jump before me when I jump into my bed. और मैं देखता हूँ jump करने से पहले कि ये मेरे से पहले bed पर कूद जाती हैं. So बच्चों, आपने कभी notice किया है अपनी परछाई को? द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. और इसके बारे में मजेदार चीज ये है कि ये भी बढ़ना पसंद करती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, बिल्कुल बच्चे की तरह नहीं. विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, जो कि हमेशा ही स्लो होता है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. कभी कभी ये इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि इंडिया की रबर बॉल होती है. And he sometimes gets so little that there is none of him at all. और कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है कि जैसे इससे छोटा कोई नहीं है. तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं ना कि जब सूरज बिल्कुल सीधा हमारे सर पे होता है तो जो हमारी परछाई है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, और जब मॉर्निंग का जो सूर्य होता है उसमें जो परछाई है वो कुछ लंबी दिखाई देती है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक सुबह जब मैं बहुत अर्ली जल्दी उठा तो मैंने सन को उगते हुए देखा. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप. और मैंने जब मैं उठा था तो मैंने देखा कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो एवरी बटरकप पर गिर रही हैं. बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. और जो मेरी लेजी जो आलसी छोटी सी शैडो है वो एरेंट स्लीपी हेड यानी कि एक बुरे स्लीपी बच्चे की तरह है. Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. और he had stayed at home. और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मेरे पीछे पीछे घर में ही रुकी हुई है. और was fast asleep in bed. और अभी तक बिस्तर में सो रही है. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. ये पोएम जो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखी हुई है. बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है. बच्चों, आप भी अपनी शैडो के बारे में नोटिस करना कि ये किस कब बड़ी होती है, कब छोटी होती है, कब बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती. पता है एक वक्त ऐसा भी होता है कि जब हमारी परछाई हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती. तो इन चीज़ों को गौर करना. अब हम देखते हैं माई शैडो के न्यू वर्ड्स. इंडिया रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई. मतलब एक बॉल जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल होती है, बहुत ऊँचे तक उछल सकती है. बटर कप आ येलो फ्लावर. अरेंट बैड यानी कि बुरा स्लीपी हेड. कम्प्लीटली इनअटेंटिव मतलब जो बिल्कुल ही लेजी बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ाई में किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देते, उन्हें हम स्लीपी हेड एरेंट यानी कि बैड स्लीपी हेड बोलते हैं. तो अब लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक. आई थिंक माई शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर यू कैन. द शैडो इज नॉट अ फिजिकल थिंग एंड इट अपीयर्स फास्टर देन लाइट. इट इज बिकॉज ऑफ दैट माई शैडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर आई कैन. वट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज वेन योर शैडो इज द टोलेस्ट. वाई आवर शैडो इज द टोलेस्ट इन द मॉर्निंग. इट इज बिकॉज द सन रेज आर स्लैंडिंग एट द टाइम ऑफ sunrise. Fourth question is read the lines from the poem and answer the following. He is very very like me from the heels up to the head. He refers to the shadow.
हु डज ही रेफर टू, ही रेफर्स टू द सैड डॉग. हु डज मी रेफर टू, मी रेफर्स टू द पोएट. वाई आर ही एंड मी अलाइक, ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर. लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. वट वुड यू डू इफ अ गॉड चेजेज यू. आप ये इन क्वेश्चन के आंसर अपने आप से लिखें. अगर आप भाग, कुत्ता आपके पीछे पड़ गया और आप भागे हों तो वो लिखें, लेकिन आपको कुत्ता पीछे पड़े तो भागना नहीं चाहिए. तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप खुद से करें. नाउ फॉर फन टाइम, साइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल. ये एक्टिविटीज भी आपको खुद से करनी चाहिए. मूव द टॉर्च अ लिटल अवे फ्रॉम योर हैंड. आप एक टॉर्च लें और उसको अपने हैंड के पास लगा के वॉल पे उसकी परछाई, अपने हैंड की परछाई देखें, उसको थोड़ा और पास करें, उसको दूर करें. तो इस तरीके से आप जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अपने हैंड के देख पाएंगे. नाउ वर्किंग टुगेदर, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ फाइव. मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट. एक जो है प्लेन पेपर ले, उस पर एक अपना हैंड बनाए. मार्क द नेम ऑफ फिंगर थंब एंड पाम ऑन द हैंड. यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स. ये देखिए, फोर, मिडल, रिंग, स्मॉल, थंब, ये सब आपकी जो फाइव फिंगर्स हैं उनके नाम हैं. अपना एक हैंड बनाए और ये यूज करके, ये नेम यूज करके उन्हें लिखें. सेकेंड क्वेश्चन, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड. पॉइंट एट द डोर. जब आप डोर को पॉइंट करते हो, पॉइंट एट अ डोर फोर फिंगर, बाउंस अ बॉल पिन, स्क्रैच योर चिन फोर फिंगर, ट्विस्ट योर ईयर थंब एंड फोर फिंगर, कॉम्ब योर हेयर ऑल द फिंगर्स, ड्रॉ विद अ पेंसिल, पेंसिल एंड फोर फिंगर, टच अ फ्लावर फोर फिंगर. अब है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. वेयर इज द चाइल्ड. आपको ये जो हु, हुज और विच, ये तीन वर्ड यहाँ दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर डालना है. वेयर इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. आई सॉ मैनी हाउसेस विच वर क्वाइट स्पेसियस. मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग. The poem that you read out is so lovely. I know the secret which he lives on. I like reading books that have pictures in it. The old lady whom I met in your house is my neighbor. Complete this description by answering the questions below. ये देखिए, ये description दिया गया है और नीचे दिए गए questions के answer आपको देने हैं. What do you think is the name of dog? Why is she called that? What color is she? Do you think she is friendly? What does she like to eat? आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है. अब आप इस क्वेश्चन के write a few lines on Mithu and his little dog named Shadow. देखिए, few lines on Mithu, आप उसके ऊपर लिखिए like this. Mithu is a very shy boy. He is 10 years old. Mithu has a cute dog named Shadow. Mithu likes to call her Shadow as she always follows Mithu wherever he goes. तो इस तरीके से आप इसके ऊपर कुछ lines अपने आप भी लिख सकते हैं. आगे है say aloud. ये देखिए, words दिए गए हैं, आप इनको loudly बोलें ताकि आपकी speaking और pronunciation correct हो. अब next, act out the poem as you read it slowly. और जैसे पोएम में बताया गया है उसको अपने जो शैडो है उसको देखते हुए स्लोली स्लोली एक्ट करें. सो चिल्ड्रन, दैट पोएम इज फिनिश एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्मॉल पोएम. सो यू हैव टू डू दिस. नाउ यूनिट्स, यूनिट थ्री सेकेंड चैप्टर इज रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ
फुटप्रिंट एंड द चैप्टर नंबर 6 रॉबिन्सन क्रूजो। लेट्स स्टार्ट। रॉबिन्सन क्रूजो's शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। फ्रेंड्स, आपने रॉबिन्सन क्रूजो की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, देखी होंगी टीवी में, इनके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं। तो ये भी वही उन्हीं में से है और आप इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, जैसे मूवीज या एक अच्छी सी कॉमिक्स की तरह भी रीड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो की शिप जो है समुन्द्र में नष्ट हो गई, मतलब यात्रा करते हुए जैसे समुद्री तूफान से या कैसे भी। तो वो फिर बहुत सालों तक अकेला कंपनी के लिए या इधर उधर जंगल वहीं पे भटकता रहा। वन डे ही उसने एक दिन एक फुटप्रिंट सैंड पर, रेत पर देखा। अब बताओ, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तब उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टावर्ड्स माय बोट, एक दिन जब मैं अपनी बोट से जा रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, तो मैंने रेत पर एक आदमी के पैरों के निशान देखे। आई स्टूड अमेज, मैं हैरानी से खड़ा हो गया। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुकड अराउंड मी, मैंने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हेयर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मुझे कुछ सुना ना ही मैं कुछ देख मुझे कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैंने ऊपर से नीचे तक देखा। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं किनारे पर गया ऊपर नीचे, बट इट वॉज नो गुड, पर वहाँ कुछ कोई चीज़ नहीं थी। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट दैट बट दैट वन, वहाँ पे उस एक को छोड़ के कोई भी दूसरा फुटप्रिंट नहीं था। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। आई वेंट टू इट अगेन, मैं इसे दोबारा देखना चाहता था कि कहीं कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है या फिर ये मेरी इमेजिनेशन है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, परंतु मैंने गलती नहीं की थी। फॉर देयर वॉज एक्चुअली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वो एक्चुअल में एक पैरों का निशान था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, उसमें टोज था, एडी थी, मतलब पैर पूरा पूरे पार्ट थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये यहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं लंबे समय तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन जितना सोचा वो उतना ही कन्फ्यूज होता रहा। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, आखिरी में मैं बहुत डर के वापिस आ गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, अपने पीछे मैंने दो या तीन पैरों के निशान देखे। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, व्हेन आई केम टू माई केव, और जब मैं अपनी गुफा में वापिस आया, विच आई कॉल्ड माई कॉस्टल, आई रैन इन साइड इट, और जब मैं उसके अपने गुफा के पास गया तो मैं उसके अंदर दौड़ गया। एज इफ आई वॉज बींग, जैसे कि मुझे कोई मेरा कोई पीछा कर रहा हो। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर आर वेंट इन बाय द होल, मुझे याद नहीं था कि मेरे पास कोई सीढ़ी थी और उस होल में जाने के लिए रोक, विच आई कॉल्ड द डोर, और एक पत्थर था जिसे मैं डोर कहता था। आई रैन फॉर कवर, जो मैं कवर उसे बंद करने के लिए भागा। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, किसी भी एनिमल से ज़्यादा तेज। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, उस बारे में सोच के कि जो मैंने देखा, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, ये मुझे और ज़्यादा डरा रहा था। आई थॉट इट would be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. I thought कि ये जो है mainland के savages हो सकते हैं जो कि समुंदर के बाहर में घूमते रहते हैं छोटी बोट में। Luckily I was not on shore at that time, खुशकिस्मती से मैं उस वक्त पर किनारे पर नहीं था। But what if he had seen my boat, परंतु क्या हुआ अगर उसने मेरी बोट को देखा होगा तो। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर उसने बोट को देखा होगा तो वो समझ गया होगा कि इस आइलैंड पर कोई रह रहा है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और जल्दी ही वापस आएगा मुझे मारने के लिए और खाने के लिए।
एंड सो आई लिव फियरफुल फॉर मैनी डेज, और इस तरीके से मैं बहुत दिनों तक डरा रहा एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। और जब भी मैं ऐसे कहीं भी जाता था तो अपने पीछे फ्रिक्वेंटली देखता जाता था, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, और आई इस तरीके से दो या तीन दिन बीत गए, एंड सा नथिंग, आई बिकेम अ लिटल बोल्डर, और मुझे कुछ दिखा नहीं तो मुझ में थोड़ी हिम्मत भी आ गई। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, तो मैंने डिसाइड किया कि दोबारा किनारे पर जाऊँ और जो फुटप्रिंट थे उनको एग्जामिन करूँ। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क, और मैंने इसको अपने पैर के निशान से मैं नापने की सोची। एंड आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और मैं फुटप्रिंट के पास गया। आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सीन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बीच के इस हिस्से पर नहीं आया हूँ। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, और इस और दूसरी बात, मैंने इसके ऊपर अपना पैर रखा फुटप्रिंट के ऊपर, इट सीम लार्जर दैन माई ओन, यह मेरे पैर के निशान से बड़ा दिख रहा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर फिर से लौट आया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर घर वापस आ गया, बिलीविंग दैट देर वॉज समवन देयर, इस विश्वास के साथ कि यहाँ पर कोई था। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, अडोप्टेड फ्रॉम डेनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो, ये जो कहानी है ये डेनियल डिफो की रॉबिन्सन क्रूसो से ली गई है। न्यू वर्ड्स, इसके न्यू वर्ड्स चेक करेंगे। सेविजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जो जैसे जिनको जो वाइल्ड मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको सेविजेस कहा जाता है। मेन लैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, जैसे कि आइलैंड जो होते हैं वो समुद्र पानी के बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिसपे कि इंसान रह सकते हैं, लेकिन जो मेन लैंड है वो लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड होता है। वांडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, वांडर्ड होता है घूम इधर उधर घूमना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, मीन ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। इनहैबिटेड, ऑक्यूपाइड ड्वेलिंग, जिसे हमने ऑक्यूपाई कर लिया हो। नाउ लेट टू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट, द फुटप्रिंट वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट विद टोज हील एंड एवरी पार्ट ऑफ फुट, दिस मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्रीज, रॉबिन्सन वाज अफ्रेड टू लुक एट द बुशेज एंड ट्रीज बिकॉज ही मिसटूक एवरी बुश एंड ट्रीज एज अ मैन। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सा द फुटप्रिंट, व्हेन रॉबिन्सन सा द फुटप्रिंट ही गोट वेरी स्केयर्ड एंड स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हिज प्रोटेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, he could not sleep because he thought savages had come from the mainland. Third, why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? He had not come to this part of the beach in a long time. Where was Robinson Crusoe? Alone on an island. Let's talk. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? I would feel very excited to see unknown footprints outside my front door. I would have told my elder sister about it and then started finding some clues about it. If you were alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? If I were alone at home and suddenly someone knocked at my door, I would first ask, who
हु इज ऑन द डोर एंड देन ओनली विल ओपन इट. लेट्स राइट. द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर जम्बल्ड. राइट देम इन ऑर्डर. वन इज डन फॉर यू. चिल्ड्रेंस दिस इज द जम्बल वर्ड्स. देखिए आप इन्हें सेट कीजिए. रॉबिन्सन, फिर वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट. रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. तो इस तरीके से ये जंबल वर्ड है, इनको आपको सेट करना है. ये द आइलैंड वाज इनहैबिटेड. थर्ड इज दिस फुटप्रिंट बिलोंग्ड टू समवन. फोर्थ आई लुक्ड अराउंड मी. आई वेंट टावर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट. नाउ आई वॉज अफ्रेड. सेकेंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं. आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस. आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड. I was very tired and confused. Write a story on strange footprints. Where did you see the footprints? We went to Jim Corbett National Park for family vacation. One day a very strange incident happened with me. We were sleeping in our tent when suddenly I heard a strange sound outside my tent. It was a very dark night. I was feeling extremely scared. I looked out for a torch and went outside without informing anyone. After walking 5 to 10 steps, I saw strange footprints imprinted on the muddy ground. They were very tiny footprints and that too had 7 fingers. I was completely amazed to see the extraordinary footprints. I kept on following the footprints and came very far after following them, but to my disappointment, I was not able to find anyone there. Okay, children, इस तरीके से आप भी कोई स्टोरी बना सकते हैं. Use the joining words given below and join the sentences in column A and B. ये देखिए आपको joining word दिए गए हैं. ये ऊपर आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है. लाइक दैट आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस. आई कांट डांस एट वेल एट ऑल. शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग. ही वांटेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल. I wrote the letter, but I forgot to post it. Okay. Now, fun time. Look at the footprint shown here. Hint, this is the footprint of the first man on the moon. His name was Neil Armstrong. Now, second question is, let's create a pyramid. आपको ये जो पिरामिड है ये बनाना है. इसमें आपको यहाँ अ लेटर, टू लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी. बी से आपको दो वर्ड वाला बी ई, सी से सी ए टी, डी से डी डी ओ डबल एल डॉल, ई से ईगल, F से फेसियल. तो इस तरीके से आपको ये पिरामिड कंप्लीट करना है. लेट्स वर्क इन पेयर्स. हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो. यू कैन स्टार्ट एज. ये देखिए ये पिक्चर दी गई है, आपको स्टार्ट करना कैसे है, हिंट दिया गया है. लुक एट द फुटप्रिंट इन द मड. सेकेंड, दिस डज नॉट लुक लाइक ह्यूमन फुटप्रिंट्स. ये देखिए फुटप्रिंट्स दिए गए हैं. हंटर, ऑफ कोर्स दिस लुक्स लाइक अ जेंट एलिफेंट्स
फुटप्रिंट्स। हंटर टू दूसरा बोल रहे, बट हाउ इज इट पॉसिबल, देयर इज नॉट अ सिंगल एलिफेंट इन द जंगल। तो इस तरीके से ये जो रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में चिल्ड्रंस, आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।